वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स का परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन के चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। तो जैसा कि इसके पहला वाला जो वीडियो था उसमें आपने समझा होगा कि परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होता है। परमिटेशन का मीनिंग मैंने आपको वहां पर बताया था कि क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, चॉइस या फिर सिलेक्शन जो है होता है। ये चीजें हमने वहां पर पढ़ी थी। फिर मैंने आपको वहां पर एक नए कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस कराया था जिसका नाम था फैक्टोरियल कंसेप्ट। वहां पर हमने n फैक्टोरियल भी पढ़ा था, उसके बाद हमने देखा था कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। फिर उसके बाद हमने एलसीएम देखा था, फिर 4 डिजिट्स के नंबर को किस तरीके से अरेंज करते हैं, ये सारी चीजें हमने वहां पर जो डिस्कस कर ली थी। अब उसी को कंटिन्यू में आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब क्या करेंगे, परमिटेशन के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो है और भी जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। एक तो परमिटेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बेसिस पर जो है हम लोग और भी कुछ प्रॉब्लम जो है सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि देखो, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू फैक्टोरियल। इनको हमको क्या करना है, फैक्टोरियल के फॉर्म में जो है कन्वर्ट करना है। तो देखो, अगर आप किसी भी चीज को फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इसका मतलब यह है कि उस नंबर का प्रोडक्ट जो है 1 तक हमको करना है। जैसे अगर मैं 7 फैक्टोरियल लिखना चाहता हूँ तो 7 फैक्टोरियल का मतलब मेरे पास क्या होता है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, इतना 1 तक हमारे पास होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप फैक्टोरियल में लिखना चाहोगे इसको, तो देखो 10 आपके बाद 9 है, 9 के बाद 8 है, 8 के बाद 7 है, 7 के बाद 6 है, 1 तक तो गया ही नहीं है, तो इसको आप फैक्टोरियल के फॉर्म में कैसे लिख पाओगे। तो सबसे पहले आपको इसको क्या करना पड़ेगा, 1 तक पहुंचाना पड़ेगा। तो आपके पास देखो, आपके पास है, अगर मैं इसको उल्टा भी लिख दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं इसको लिख देता हूं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। अब आगे के चीज को मैं यहां पर क्या करूंगा, खुद से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि मैथमेटिक्स हमको अलाउड करता है कि आप किसी भी एक्सप्रेशन में सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन और सेम नंबर का डिवीजन आप क्या कर सकते हो, वहां पर जो है अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, सेम नंबर का डिवीजन कर दिया। ऐसा क्यों किया, देखो इससे ऊपर वाला जो पार्ट था, मतलब जो न्यूमरेटर था, वो न्यूमरेटर क्या बन गया अब आपका, देखो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, मतलब ये बन गया आपका 10 का फैक्टोरियल। नीचे वाला किसका बना, देखो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब ये किसका बना आपका 5 के फैक्टोरियल का। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको ऐसा मत कर देना कि 5 वन और 5 टू जा करके, मैंने आपको बताया था कि ऐसा कैंसिलेशन जो है फैक्टोरियल वाले में नहीं होता। अगर आपको नॉर्मल मैथमेटिक्स होता तो आप वहां पर 5 वन और 5 टू जा कर सकते थे। अब यहाँ पर इसके आगे देखो, सेकेंड वाला क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर ये आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है, पूरा का पूरा आपको इवन नंबर यहाँ पर इसने दे दिया है। तो अब ये जो इवन नंबर दिया है, अब आप इसमें क्या कर सकते हो, देखो इस क्वेश्चन को आप ब्रेक करके लिखना स्टार्ट करो। कैसे ब्रेक करके लिख सकते हो, देखो आपके पास क्या है, 10 है इंटू 8 है इंटू 6 है इंटू 4 है इंटू 2 है। इसको हमको मतलब क्या करना है, हमको जो है इसको 1 तक पहुंचाना है। तो क्या मैं 10 को ब्रेक करके ऐसा नहीं लिख सकता, 2 इंटू 5 बिल्कुल लिख सकता हूँ। फिर 8 को मैं क्या ऐसा नहीं लिख सकता, 2 इंटू 4 बिल्कुल लिख सकता हूँ। 6 को मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, 2 इंटू 3। फिर उसके बाद 4 को मैं क्या 2 इंटू 2 नहीं लिख सकता। फिर इसके बाद ये जो बचा इसको 2 इंटू 1 लिख देता हूँ। अब यहाँ देखो 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो जिस नंबर के नीचे मैंने लाइन खींची है वो सब मिलकर क्या बना लेंगे, 5 का फैक्टोरियल बना लेंगे। तो ये जो सामने के जो नंबर बचे वो कहाँ जाएंगे, तो देखो एक 2 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर दो जो है कितने बार है, 5 बार है। तो इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5 बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये हमारा हो गया फैक्टोरियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना। उसके बाद देखो एग्जैक्ट मैंने आई थिंक यही क्वेश्चन आपको बताया था कि एलसीएम कैसे लेते हैं, 4 फैक्टोरियल का, 5 फैक्टोरियल का और 6 फैक्टोरियल का। तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही उसका क्या होता है, फैक्टोरियल होता है। मतलब यहाँ पर हमारा फैक्टोरियल कौन सा होगा, 6 का फैक्टोरियल होगा। और 6 का फैक्टोरियल जब आप एक्सपांड करोगे तो वो होता है 720 जो है ये होता है। उसके बाद यहाँ पर देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मैंने बताई थी कि अगर दो इवेंट हो रहे हैं, अगर दोनों इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन निकालने के लिए आप उसको क्या करोगे, प्लस करोगे। और अगर दोनों इंडिपेंडेंट है तो आप उसको क्या करोगे, टोटल ऑप्शन निकालने के लिए उनका प्रोडक्ट करोगे। याद करो मैंने आपको मॉल वाला एग्जाम्पल दिया था, मॉल में मूवीज चल रही थी, ड्रामा हो रहा था, तो वहां पर टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन कितने थे, 5 थे। उसके बाद हमने क्या देखा था, दूसरा चीज देखा था
कि हमको ए से सी तक जाना था तो बी से हमको होकर जाने वाला था। तो ये वाला जो एग्जांपल था उसमें मैंने यहाँ पर समझाया था कि कब प्रोडक्ट करते हैं और कब हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। और मैंने एक और चीज समझाई थी कि प्लस का मतलब क्या होता है, और होता है, और मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, एंड जो है होता है। तो एंड और जो होते हैं ये किसके लिए होते हैं, हमारे प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में यूज होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक एग्जाम्पल आपको एक और दिया है। अब इस तरीके की एग्जाम्पल्स को जब हम लोग सॉल्व करते जाएंगे तो इससे फायदा क्या होगा, आपका कंसेप्ट बिल्डअप होते जाएगा। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को आप आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दोगे कि हाँ ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था ना कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते जहां पर हमको समझ में ही नहीं आता कि ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है कि कॉम्बिनेशन का। तो जब आप एकदम बेस से चालू करोगे क्वेश्चन को सॉल्व करना तो आप वहां पर इजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे। और ये सिर्फ और सिर्फ आपके इसी क्लास के लिए नहीं है, जब आप आगे जितने भी एग्जाम की तैयारी करते हैं सी एस सी एम ए जो भी होता है आपका जो कॉमन टेस्ट होता है उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए आप इसको क्या करो, अच्छे से अपना स्ट्रांग रखो। इन अ क्लास देयर आर 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स, एक क्लासरूम है जिसमें 10 बॉयज हैं और 8 गर्ल्स हैं। द टीचर वॉन्ट्स टू सेलेक्ट अ बॉय एंड, अब यहां पर फोकस करो, टीचर क्या चाहता है, बॉय एंड अ गर्ल टू रिप्रेजेंट द क्लास इन अ फंक्शन। एक क्लास है, मान लो आप ही लोगों की क्लास है जिसमें 10 बॉयज हैं और 8 गर्ल्स हैं। एक टीचर है जो चाहता है कि बॉय और गर्ल मिलकर क्या करें, एक क्लास में कुछ फंक्शन हो रहा है, चाहे टीचर्स डे हो, चाहे चिल्ड्रंस डे हो, कुछ भी फंक्शन हो, वहां पर उनको क्या करें, रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी वेज कैन द टीचर मेक दिस सिलेक्शन। अब वो टीचर जो है कितने तरीके से इसका सिलेक्शन कर सकता है। अब यहां पर देखो, यहां पर वर्ड आया है सिलेक्शन, तो आपको स्टार्टिंग में कैसा लगेगा कि अरे हाँ ये तो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है करके, लेकिन यहाँ पर देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे किससे, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन एंड है यहाँ पर, अ बॉय एंड अ गर्ल, इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारे लिए कॉम्बिनेशन से ज्यादा इजिली किसमें बन जाएगा, ये प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से जो है बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसका सॉल्यूशन इससे पहले समझाया हुआ है कि हियर द टीचर इज टू परफॉर्म टू जॉब्स, जो टीचर है उसको दो काम करने हैं। कौन कौन से दो काम करने हैं, पहला काम है सेलेक्टिंग अ बॉय अमंग 10 बॉयज, जो 10 बॉयज हैं उसमें से एक बॉय को उसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो 8 गर्ल्स हैं, 8 गर्ल्स में से क्या करना है, एक गर्ल्स को सेलेक्ट करना है। अब यहां पर समझ गए होगे, अगर आपने पिछले वाले वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को ध्यान से समझा होगा तो यहां पर आपको क्या करना है, देखो 10 बॉयज हैं, 10 बॉयज में से एक बॉयज को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, आंसर है 10 तरीके से सेलेक्ट हो सकते हैं, बॉय बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, तो यहाँ पर टोटल ऑप्शन कितने हुए, 10। उसके बाद दूसरे जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स कितने हैं, 8, तो इनको कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, 8। तो बॉयज का सिलेक्शन हो सकता है 10 तरीके से, गर्ल्स का सिलेक्शन हो सकता है 8 तरीके से। और यहाँ पर इसने क्वेश्चन में दिया है एंड करके, तो एंड का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्या होता है, वो मल्टीप्लीकेशन, मतलब टोटल वेस आपके कितने हो जाएंगे, 10 × 8, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 80। सो 80 वेस से क्या कर सकता है वो जो टीचर है, वो उन दो, एक बॉय और एक गर्ल्स का सिलेक्शन कर सकता है ताकि वो क्लास को क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। अब इसी को देखो प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, अभी हमने मल्टीप्लीकेशन किया तो 80 ऑप्शन आए, अब इसी क्वेश्चन को देखो यहाँ पर चेंज कर दिया और इसने क्वेश्चन दिया कि इन अ क्लास देयर आर 10 बॉयज, सेम सिचुएशन, 10 बॉयज हैं, 8 गर्ल्स हैं, द टीचर वॉन्ट्स टू सेलेक्ट इधर अ बॉय और अ गर्ल। अब सिचुएशन चेंज हो गया, या तो टीचर को बॉय सेलेक्ट करना है या फिर गर्ल सेलेक्ट करना है, लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, अ बॉय एंड अ गर्ल था, लेकिन यहां तो हमारे पास बॉय और है। तो अगर आप ध्यान से समझोगे तो और का मतलब मैंने प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में बताया था कि आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल वेस जो होंगे, अगर ये एक ऑप्शन एम तरीके से हो सकता है, दूसरा एन तरीके से हो सकता है, तो दोनों को हमको क्या करना है, टोटल ऑप्शन के लिए प्लस करना है। तो 10 बॉय है, 10 बॉय का कितने तरीके से सिलेक्ट हो सकता है, 10 तरीके से, 8 गर्ल से कितने तरीके से हो सकता है, 8 तरीके से, तो दोनों का टोटल ऑप्शन कितना हो जाएगा आपका, 10+8 मतलब 18 वेज से जो है हो सकता है। तो मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, अब फाइनल एग्जाम में इस तरीके के स्टेटमेंट जो है आप लिख कर इसको सॉल्व करोगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो अगला एग्जाम्पल है, इन अ मंथली टेस्ट द टीचर डिसाइड्स दैट देयर विल बी 3 क्वेश्चन, वन फ्रॉम ईच ऑफ एक्सरसाइज 7, 8, 9 ऑफ द टेस्ट बुक। एक स्कूल में क्या करना है, मंथली टेस्ट लेना है और टीचर ने डिसाइड किया कि वो एक्सरसाइज 7, एक्सरसाइज 8 और एक्सरसाइज 9 तीनों एक्सरसाइज में से एक एक क्वेश्चन क्या करेगा, वो सबको टेस्ट में देगा।
अब उसके बाद देखो जो एक्सरसाइज 7 है उसमें कितने क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन किसमें है, एक्सरसाइज 8 में है, और 9 क्वेश्चन है किसमें, एक्सरसाइज 9 में है। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 क्वेश्चन बी सिलेक्टेड, तो कितने तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखो अगर हमारे पास एक्सरसाइज 7 में से एक लेना है, 8 में से एक लेना है, और एक्सरसाइज 9 में से एक लेना है, तो एक्सरसाइज 7 में कितने क्वेश्चन है, तो एक्सरसाइज 7 में है 12 क्वेश्चन। तो उस 12 क्वेश्चन में से हम लोग किसी एक को भी तो ले सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, पहला एक्सरसाइज 7 से एक क्वेश्चन उठाने के कितने ऑप्शन होंगे हमारे पास, 12 होंगे। उसके बाद क्या होगा कि अगर हमारे पास एक्सरसाइज ये मान लो 7 का था, ये एक्सरसाइज 8 का है और एक्सरसाइज 9 का है, एक्सरसाइज 8 में कितने क्वेश्चन है, 18, तो उसमें से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को ले सकते हैं। तो हमारे पास उसमें से एक क्वेश्चन सेलेक्ट करने के कितने ऑप्शन है, 18 ऑप्शन है, किसी को भी ले सकते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 9 में 9 क्वेश्चन है, उसमें से एक क्वेश्चन कैसे ले सकते हैं, 9 तरीके से ले सकते हैं। अच्छा अब आप इसको प्लस करोगे कि मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग याद करो, क्या इसमें से एक भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के बाद आपको पूरा का पूरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा, आंसर है नहीं। जब तक ये तीनों के तीनों काम आपके कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आपका कोई भी कंप्लीट टास्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो अगर नहीं हो रहा है मतलब एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है, और जब इंटर रिलेटेड होते हैं तो हम लोग इनको आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 12 इंटू 18 इंटू 9 इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट विल बिकम 1944। इतने इतने तरीके से वो टीचर क्या कर सकता है, क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्वेश्चन जो है मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं, देखो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विदाउट यूजिंग द डिजिट। अब ध्यान से समझना, अगर बहुत लोग क्या करते हैं क्वेश्चन को ऐसे पढ़ते हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट, इतना बीच में इग्नोरेंस आ जाता है और क्वेश्चन क्या करते हैं इन इन डिजिट को लेकर सॉल्व करना चालू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो कि यहाँ पर क्या बोला है कि यूजिंग द डिजिट, इनको यूज नहीं कर रहे हैं, विदाउट यूजिंग द डिजिट मतलब इन डिजिट्स को यूज नहीं करना है, मतलब 0 को यूज नहीं कर सकता है, 2 को यूज नहीं कर सकते, मतलब 1 तो यूज हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है और 9 हो सकता है। अब इन डिजिट्स को यूज करके हमको क्या करना है, 3 डिजिट के नंबर जो है यहाँ पर फॉर्म करने हैं। तो अब मैंने स्टार्टिंग वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जब तक आपको क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं अलाउड है ना बोले, तब तक हम लोग क्या मानकर चलते हैं कि रिपीटेशन जो है अलाउड नहीं है। लेकिन जब आपको 3 डिजिट का नंबर पूछेगा कि फाइंड द हाउ मेनी नंबर बिटवीन 100 एंड 200 के, ऐसे अगर बोलेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो रिपीटेशन जो होता है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं कि अलाउड है करके। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1789 इस नंबर को लेकर हम लोग क्या करेंगे, 3 डिजिट के नंबर बताएंगे और यहाँ पर रिपीटेशन हमारा अलाउड है, ऐसा हम लोग एज्यूम करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमसे पूछता कि 100 और 900 मतलब 1000 के बीच में 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं, या बताओ कि टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट बिटवीन 100 एंड यहाँ पर 1000। तो यहाँ पर देखो 222 भी तो एक 3 डिजिट नंबर है, 333 भी तो एक 3 डिजिट नंबर है, 444 भी तो एक 3 डिजिट नंबर है, यहाँ पर 144 भी तो एक 3 डिजिट नंबर है। तो इस टाइप के जब केस आ जाते हैं ना कि इसके बीच में नंबर बताओ कितने होंगे करके, तो उस केस में हमको ये अज्यूम करना पड़ता है कि रिपीटेशन क्या है, क्वेश्चन में अलाउड है करके। अब रिपीटेशन अगर अलाउड है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 3 बॉक्स बनाएंगे, मैंने स्टार्टिंग वाले वीडियो में आपको सिखाया था। तो यहाँ पर हम लोग 3 बॉक्सेस बनाएंगे, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स और 3 बॉक्स। अब इन चारों डिजिट्स में से रिपीटेशन अलाउड है तो मैं इस बॉक्स में कितने नंबर डाल सकता हूँ, चारों में से किसी को भी डाल सकता हूँ, फिर दूसरे में भी क्या कर सकता हूँ, मैं चारों में से किसी को डाल सकता हूँ क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है नंबर्स में। उसके बाद यहाँ भी मैं डाल सकता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएंगे। अच्छा अब ये 444 का आप ऐड करोगे कि मल्टीप्लीकेशन, तो आंसर है मल्टीप्लीकेशन। क्यों, क्योंकि ये तीनों बॉक्सेस जो एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है, ये टास्क आपस में रिलेटेड है, तो इसीलिए 4 × 4 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 जो है हमारा आंसर जो है आ जाएगा। तो इन चीजों को बस थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी तो ये इजी है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, एग्जांपल हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन, अच्छा वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको बताया था, 100 एंड 1000 इन विच ऑल द डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट। अब यहां पर देखो ये क्वेश्चन को आप जब ध्यान से पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है आपको कि सारे के सारे नंबर कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट, मतलब कोई भी नंबर सेम नहीं होना चाहिए, जैसे 222 नहीं होना चाहिए, 333 नहीं होना चाहिए, तो सारे डिजिट्स यहाँ पर कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए।
यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है, क्योंकि डिस्टिंक्ट लिख दिया। अगर सिर्फ इतना बोलता कि सिर्फ यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता तब हम लोग क्या करते, रिपीटेशन अलाउड है करके सॉल्व करते, लेकिन यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो वापिस से तीन डिजिट के नंबर हमको बनाने हैं, तो एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स और तीसरा बॉक्स। अब देखो हमारे पास टोटल कितने डिजिट हैं, 0 से लेकर 9 तक के डिजिट हैं, मतलब अगर टोटल नंबर ऑफ डिजिट काउंट करें तो 10 डिजिट है। तो अब यहाँ पर अगर आपको तीन डिजिट का नंबर बनाना है तो क्या आप, ये अगर यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, अगर ये 100 प्लेस है, तो क्या आप 100 प्लेस के जगह 0 रख सकते हो? नहीं रख सकते, आप वहां पर 0 नहीं रख सकते। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा 0, 2 और 3 जैसे दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप इस जगह पर आप 0 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? इसका रीजन है कि ये 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा, इसीलिए पहले वाले बॉक्स में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 0 को नहीं रख सकते। तो 10 ऑप्शन में से हमारे पास कितने बचे, 9 ऑप्शन यहाँ पर डालने के लिए, लेकिन बीच में तो 0 आ सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ, बीच में 0 लिखता हूँ, फिर यहाँ 1 लिखता हूँ, तो ये तो 3 डिजिट का नंबर होगा। तो मैंने 10 में से एक डिजिट को यूज कर लिया, बस 0 को यूज नहीं किया था, लेकिन 0 को तो मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ। तो 8 बचे थे प्योर नंबर और एक 0 को मिलाकर कितने हो गए, 9 हो गए। अब 9 डिजिट यूज हो चुके, मतलब यहाँ कितना बचेगा, 8। अब इन तीनों का आप मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये तीनों इंटररिलेटेड हैं, तो 9 × 9 × 8 कितने हो जाएंगे, आंसर है 648 जो है आपके हो जाएंगे। तो इसका आंसर कितना होगा, 648 नंबर ऐसे हैं जिनमें क्या है, डिस्टिंक्ट नंबर जो है आते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000 सच दैट 7 इज इन द यूनिट्स प्लेस। मतलब आपको 100 से लेकर 1000 के बीच में ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनके यूनिट प्लेस में कितने होने चाहिए, 7 जो है होना चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो ये बिटवीन बोला है, मतलब 100 से लेकर 1000 के बीच में बोला है, तो 100 से लेकर 1000 के बीच में कितने डिजिट के नंबर आएंगे, तो आंसर है 3 डिजिट के नंबर आएंगे, जैसे 101 102 103, ऐसे करते करते 995 996 997 998 999, इतना में तो खत्म हो जाएगा। मतलब ये वापिस से आपको बोल रहा है कि 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर्स होते हैं 100 और 1000 के बीच में, जिसमें यूनिट प्लेस जो होगा, जैसे ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है, तो यहाँ पर सिर्फ सिर्फ क्या होना चाहिए, 7 ही होना चाहिए। अच्छा, इसी क्वेश्चन को आपको एग्जाम में ऐसा भी दे सकता है कि यूनिट प्लेस में सिर्फ 6 होना चाहिए, सिर्फ 4 होना चाहिए, सिर्फ 5 होना चाहिए, सिर्फ 9 होना चाहिए। तो वो जितने भी पैटर्न के जो क्वेश्चन है ना, वो सब इसी से जो है क्या होंगे, अभी हमारे बनेंगे। तो देखो ये नंबर वाला केस है, मैंने अभी आपको बताया कि जब आपको बिटवीन द नंबर्स बोलता है तो नंबर्स के केस में हम लोग क्या करते हैं, रिपीटेशन जो है अलाउड है उसको अज्यूम करते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो तो हमारे पास 3 बॉक्स हैं, 3 बॉक्स को हमको फिलअप करना है कितने ऑप्शन है ये पता करके। तो देखो ये यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस और ये कितना है हमारे पास, 100 प्लेस। तो ये जो यूनिट प्लेस है इसमें क्वेश्चन ने बोला है कि 7 तो होने ही चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो, तो 0 से लेकर 9 के बीच में कितने 7 आते हैं, आंसर है एक ही आते हैं। आपको पता है ये कैसा क्वेश्चन है बोल रहे होंगे आप लोग, तो एक ही आता है। तो मतलब इस यूनिट प्लेस में कितने नंबर हम लोग डाल सकते हैं, एक ही नंबर डाल सकते हैं। लेकिन ये जो टेंस वाला प्लेस है इसमें तो हमको कोई नहीं रोक सकता, रिपीटेशन अलाउड है, तो 0 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, मतलब टोटल ऑप्शन कितने हो गए, 10। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर अगर हमने क्या किया, एक डिजिट को जो है यहाँ पर यूज कर दिया, एक डिजिट को जब हमने यूज किया, अब ये हमारा कौन सा प्लेस है, ये हमारा प्लेस है 1000, मतलब 100 प्लेस। तो 100 प्लेस में देखो अगर आप यहाँ पर 10 डालने की सोच रहे थे तो आप गलत सोच रहे हो, मतलब इन जनरल आपने सही सोचा, लेकिन यहाँ पर क्या 0 आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि 0, 1, 2 ये एक 3 डिजिट नंबर नहीं है, इसीलिए 0 यहाँ पर नहीं आ सकता, लेकिन 1 से लेकर 9 तक के नंबर तो आ सकते हैं, इसीलिए इसमें 10 ऑप्शन ना होकर यहाँ रिपीटेशन अलाउड होने के बावजूद भी यहाँ पर कितने नंबर ऑफ ऑप्शन आए हमारे पास, 9। अभी तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 9 × 10 हो जाएगा 90, 90 × 1 हो जाएगा 90। तो ये चीज आपने समझी कि यहाँ पर 10 ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, रिपीटेशन अलाउड था फिर भी, क्योंकि ये अगर यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है, तो 100 प्लेस में 0 नहीं हो सकता, इसीलिए हमको 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स को ही हमको डालने पड़ेंगे, इसीलिए उसमें 9 ऑप्शन हमारे पास बचे। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000 सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट इज 7। अब यहां पर देखो
हंड्रेड से लेके थाउजेंड के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जिसके कम से कम एक डिजिट में सेवन आना चाहिए, या तो यूनिट प्लेस में सेवन आ जाए, या तो टेंस प्लेस पर सेवन आ जाए, या फिर हंड्रेड प्लेस पर सेवन आ जाए, या तीनों में आ जाए, क्योंकि यहां पर बोला एटलीस्ट कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है, मतलब इनकेस यहाँ पर तीन ही हो सकता है ना, क्योंकि हंड्रेड और थाउजेंड के बीच में तीन डिजिट के नंबर ही पॉसिबल है। मतलब एक सेवन आएगा तो भी चलेगा, दो सेवन आएगा तो भी चलेगा, तीन सेवन आएगा तब भी चलेगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप क्या करो इंपॉर्टेंट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्लियरली अ नंबर बिटवीन 100 एंड 1000 हैज थ्री डिजिट, आपको पता है कि थ्री डिजिट नंबर है, आपको पता ही होगा 101 से लेकर 999 अभी ऊपर वाले एग्जांपल में हमने देखा था। तो अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, सो टोटल नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर हैविंग एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट एज सेवन, मतलब कम से कम एक सेवन तो डिजिट होना चाहिए। तो ऐसे कैसे इसको कैसे निकालेंगे, तो देखो इसको डायरेक्ट निकाल पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे इनडायरेक्ट निकालेंगे। कैसे इनडायरेक्ट निकालेंगे, सबसे पहले तो हम लोग इतने वो नंबर फाइंड करते हैं जो कि तीन डिजिट के नंबर हो सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर मतलब 100 से लेके ये जो 1000 है इसके बीच में टोटल थ्री डिजिट के नंबर कितने हैं ये फाइंड कर लेते हैं। फिर उसमें से हम लोग ऐसे नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जिसमें एक भी बार सेवन नहीं आता। जैसे अगर मैं एक नंबर लिखता हूं 214 या 216, तो देखो इसमें क्या एक बार भी सेवन आया है, नहीं। तो हम लोग टोटल तीन डिजिट के नंबर कितने हैं ये निकालेंगे और फिर उन नंबर्स में से ऐसे कितने नंबर हैं जिसमें सेवन जो एक भी बार नहीं आया है, उस नंबर को निकाल कर क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा एटलीस्ट वाला नंबर मिल जाएगा। तो यही चीज हम लोग यहाँ पर करेंगे, टोटल नंबर ऑफ थ्री डिजिट में से ऐसे तीन डिजिट वाले नंबर जिसमें एक बार भी सेवन नहीं आता है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले इस वाले पोर्शन का कैलकुलेशन करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ थ्री डिजिट हमारे पास कितने होंगे, अभी अभी तो हमने ऊपर निकाला है कि टोटल नंबर ऑफ थ्री डिजिट कितने होंगे। तो देखो अब यहाँ पर हम लोग पहला बॉक्स डालेंगे, दूसरा बॉक्स डालेंगे, तीसरा बॉक्स डालेंगे। तो अब देखो जीरो से लेके नाइन तक के आपके पास डिजिट है, तो आप ये जो हंड्रेड वाला जो प्लेस है उसमें क्या जीरो डाल सकते हो, नहीं। तो इसमें नंबर डालने के ऑप्शन कितने है आपके, नाइन। अब ये नंबर वाला केस है मतलब रिपीटेशन तो अलाउड है लेकिन बीच में तो जीरो आ सकता है, तो बीच में डालने के लिए टोटल ऑप्शन कितना दस। अब रिपीटेशन अलाउड है तो इसमें भी कितने हो जाएगा दस, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास कितने आएंगे 900 नंबर। मतलब 900 नंबर ऐसे हैं जो कि तीन डिजिट नंबर के होते हैं। अब वो कहां से कहां तक हो सकते हैं, 101 से लेके 999 तक के नंबर्स को हमने काउंट किया। अब आगे देखो, अब ये तो हो गया पहला पार्ट, अब हमको ऐसे नंबर्स निकालने हैं 100 से लेकर 1000 के बीच में जिसमें एक भी बार सेवन नहीं आता। तो देखो टोटल नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर In which seven does not appear at all, here we have to form the three digit number by using the digit 0 to 9. अभी भी हमको 0 से लेके 9 तक के ही नंबर यूज करने हैं, लेकिन 7 कहीं पर भी नहीं आना चाहिए। तो अगेन हमारे पास तीन बॉक्सेस, फर्स्ट बॉक्स सेवन, टू बॉक्स और थर्ड बॉक्स। अब यहाँ पर देखो 7 नहीं आ रहा है, मतलब टोटल नंबर हमारे पास कितने बचे 9। तो इस 9 में से एक नंबर 0 ऐसा है जो कि 100 प्लेस पर नहीं आ सकता, तो 100 प्लेस पर डालने के लिए टोटल ऑप्शन कितने बचे 8, लेकिन इनमें तो आ सकता है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 इंटू 9 इंटू 9 जब आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये नंबर जो है आएगा। लेकिन अब यहां पर देखो, हेंस द टोटल नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर हैविंग द एटलीस्ट वन ऑफ द देयर डिजिट एज 7 इज, अब इसमें से आप क्या करो, जो ऊपर वाले जो आपकी वैल्यू आई थी 900 उसमें से इस वाली वैल्यू को आप क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास कितना ऑप्शन बचेगा, कितना आंसर बचेगा 252 जो है आपके पास ऑप्शन जो है। क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या है हमारे पास, हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000 व्हिच हैव एग्जैक्टली वन ऑफ देयर डिजिट एज 7। हमको क्या करना है, 100 और 1000 के बीच में ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जिनमें क्या है एग्जैक्टली वन ऑफ देयर डिजिट एज 7, मतलब उन तीन डिजिट में से एग्जैक्ट कम से कम एक डिजिट क्या होना चाहिए 7 जो है होना चाहिए। तो यहां पर देखो 100 से लेके यहां पर आपको क्या करना है 1000, मतलब क्या करना है आपके डिजिट बताने। तो 100 से 1000 के बीच में कितने डिजिट के नंबर होंगे, आंसर है 3 डिजिट के नंबर होंगे। तो देखो इसको हम लोग दो तीन पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। देखो पहले पार्ट में क्या करेंगे, दोस 3 डिजिट नंबर दैट हैव 7 एज इन द यूनिट प्लेस बट नॉट इन एनी अदर प्लेस,
अब हम लोग क्या करेंगे, देखो 3 डिजिट के हमको नंबर बनाने हैं, तो हम लोग पहले वाले पार्ट में क्या करते हैं, ऐसे कितने नंबर हैं जिनका क्या है जो यूनिट प्लेस है उसमें 7 है, तो इसके कैसे हो सकते हैं, तो पहले वाले ब्लॉक में आपको क्या भरना है 7, तो आपके पास 0 से लेके 9 तक के बीच में जो नंबर है उसमें से आपने 7 को यहाँ डाल दिया, मतलब इनमें से एक यहाँ पर आ सकता है और वो कौन है, सिर्फ और सिर्फ 7। तो यूनिट प्लेस में नंबर ऑफ ऑप्शन जिसको आप प्लेस कर सकते हो वो कितना है, 1 है। अब बचे कितने, 0 और 9 टोटल मिलाकर हमारे पास 10 नंबर थे, 10 नंबर में से एक नंबर यूज हो चुका, तो दूसरा नंबर अब हमारे पास कितना बचेगा ऑप्शन, यहाँ पर 9 बचेगा, फिर यहाँ पर हमारे पास कितना ऑप्शन बचेगा, 8 बचेगा, तो यहाँ पर हमारे पास इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। उसी तरीके से सिमिलरली आप क्या निकालोगे, 10th प्लेस पर कितने 7 वाले नंबर हैं उसको काउंट करोगे, तो उसके बाद तीसरे नंबर मतलब 100th प्लेस पर 7 जो है होगा, तो ऐसे कितने नंबर होगा उसको निकालोगे और तीनों का आप क्या कर दोगे, एड कर दोगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, देखो क्या बोल रहा है, अ जेंटलमैन हैज 6 फ्रेंड टू इन्वाइट, एक जेंटलमैन है जिसके 6 फ्रेंड को क्या करना चाहता है, वो इनवाइट करना चाहता है, इन हाउ मेनी वेज कैन ही सेंड इनविटेशन कार्ड टू देम इफ ही हैज 3 सर्वेंट टू कैरी द कार्ड्स। अब यहां पर देखो वो अपने 6 फ्रेंड्स को क्या करना चाहता है, इनवाइट करना चाहता है, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कितने तरीके से वो इनको इन्विटेशन कार्ड क्या कर सकता है, सेंड कर सकता है, और ये बोल रहा है कि इफ ही हैज 3 सर्वेंट टू कैरी द कार्ड, कार्ड को मतलब कार्ड को कैरी करने के लिए उसके पास कितने सर्वेंट है, 3। तो देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सिंस अ कार्ड कैन बी सेंट बाई एनी वन ऑफ द 3 सर्वेंट, तीनों सर्वेंट में से किसी एक को भी सर्वेंट मतलब भेजा जा सकता है, सो द नंबर ऑफ वेज सेंडिंग द इनविटेशन कार्ड टू द फर्स्ट फ्रेंड, पहले फ्रेंड को कितने तरीके से भेज सकता है, 3 तरीके से। सिमिलरली इनविटेशन कार्ड बी सेंड टू ईच ऑफ 6 फ्रेंड इन 3 वेज, मतलब जो पहला फ्रेंड है 3 सर्वेंट है, देखो उसके पास मान लो सर्वेंट नंबर 1 है, सर्वेंट नंबर 2 है और सर्वेंट नंबर 3 है, और यहाँ है फ्रेंड नंबर 1, फ्रेंड नंबर 2, फ्रेंड नंबर 3, फ्रेंड नंबर 4, फ्रेंड नंबर 5, फ्रेंड नंबर 6। तो ये जो अब देखो 6 कार्ड भेजना है, तो एक सर्वेंट देखो इसको भी भेज सकता है इसके पास, इसको भी भेज सकता है इसके पास, इसको भी भेज सकता है इसके पास, मतलब फ्रेंड नंबर 1 को कितने तरीके से बुला सकता है, 3 तरीके से। उसी तरीके से फ्रेंड नंबर 2 को भी 3 तरीके से बुला सकता है, उसी तरीके से इसको भी 3 तरीके से बुला सकता है, तो टोटल यहाँ पर कितने होंगे, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, मतलब 3 to the power 6, इतने तरीके से वो बुला सकता है। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 3 to the power 6, मतलब 729। अब उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन ध्यान दो, ऑड नंबर बनाना है, कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब पहला केस है कि द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, मतलब आप रिपीट नहीं कर सकते। तो देखो 3 डिजिट के नंबर हमको बनाने हैं, तो मैं 3 ब्लॉक बना लेता हूं, और इस तरीके का मैंने एक इवन नंबर वाला आपको एग्जांपल भी बताया था, याद करो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, तो उसी के जैसा बनेगा यहाँ पर। तो अब देखो कोई नंबर ऑड कब होता है, जब उसका जो यूनिट प्लेस होता है, ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है और ये इसका 100th प्लेस है, तो जब यूनिट प्लेस में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तब ये क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। तो देखो ये जो यूनिट वाला प्लेस है इसमें हम लोग कितने नंबर्स डाल सकते हैं, तो हमारे पास टोटल 3 ऑप्शन है, उस वाले बॉक्स में या तो 1 आएगा, या तो 3 आएगा, या फिर 5 आएगा, इन तीनों में से कोई एक नंबर क्या हो सकता है, वहां पर जो है आ सकता है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन कितने हो गए, यहाँ के लिए 3 हो गए। अब उसके बाद देखो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो मान अब आपके पास टोटल डिजिट कितना है, 6 डिजिट है, अब 6 डिजिट में मान लेते हैं आपने 1 को यहाँ डाल दिया, तो 1 और किसी दूसरे जगह पर और दोबारा यूज नहीं हो सकता ना, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड बोला है, तो यहाँ पर आप 6 में से 1 तो चले गया, अब बाकी 5 में से किसी भी नंबर को आप यहाँ डाल सकते हो। अब मान लो यहाँ पर आपने 4 को डाल दिया, तो 4 फिर दोबारा यूज नहीं होगा, तो 6 में से 2 नंबर कम हो गए, तो कितने बचे, 4। अब यहाँ पर आपको एडिशन करना है कि मल्टीप्लीकेशन करना है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग याद करोगे, क्या इनमें से एक भी टास्क को कर लेने से पूरा का पूरा टास्क कंप्लीट माना जाएगा, आंसर है नहीं, मतलब ये दूसरे एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक्ड, मतलब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 60। तो 60 तरीके से हम लोग नंबर बना सकते हैं। फिर सेकंड में देखो रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, मतलब अभी रिपीटेशन अलाउड है, कोई भी नंबर को आप कितने भी बार चाहो यूज कर सकते हो, लेकिन ये जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस में तो हम लोग सिर्फ 1, 3 और 5 को ही डाल सकते हैं, मतलब अगेन यहाँ पर टोटल ऑप्शन कितने होंगे, 3। लेकिन अब यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है, आप बाकी 6 नंबर में से किसी भी 6 नंबर को डाल सकते हो, यहाँ भी किसी भी 6 नंबर को डाल सकते हो, तो आपके पास
टोटल ऑप्शन कितने हुए, 6 × 6 36, 36 × 3 कितना हो जाएगा आपका 108, तो 108 तरीके से ये बन सकता है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर सेम इसी तरीके के क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, आप इसको जो है क्या करना, सॉल्व कर लेना। अब थोड़ा हम लोग आगे चलते हैं परमिट्यूशन पर। देखो परमिट्यूशन पे हम लोग थोड़ा सा सॉल्व ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि इस परमिट्यूशन एंड कॉम्बिनेशन पर ही आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन जो है मिल सकता है, और कॉम्बिनेशन पर भी क्वेश्चन मिलते हैं। तो अब यहाँ पर देखो ये थ्योरम क्या बोल रहा है, देखो लेट आर एंड एन बी द पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, मान लेते हैं कि आर और एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और इनमें इस तरीके का रिलेशन है कि जो r है उसकी वैल्यू 1 और 1 से बड़ी होगी, और r की वैल्यू जो n और n से उससे क्या होगी, छोटी होगी। देन द नंबर ऑफ ऑल परमिट्यूशन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग टेकन r एट अ टाइम इज गिवन बाय npr। अब देखो इसका मैं मतलब आपको बता रहा हूँ, npr मतलब आपको क्या करना है, n जो है टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन है, और r क्या है एट अ टाइम कितने को उसमें से हम लोग ले रहे हैं। तो n ऑब्जेक्ट में से अगर r ऑब्जेक्ट को लेकर हमको कोई अरेंजमेंट अगर करना है तो वो कितने तरीके से हो सकता है, तो ये होता है हमारा npr, जिसको हम लोग परमिट्यूशन के प्रॉब्लम से सॉल्व करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे मान लो हमारे पास 5 कार्ड हैं, उसमें से 3 कार्ड का हमको पेयर बनाना है, तो यहाँ पर हम लोग ये अरेंजमेंट कितने तरीके से कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि आपके पास क्या है, 5 चेयर है, और आपको क्या करना है, 3 चेयर को लेकर अरेंजमेंट बनानी है। तो 5 क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन, और एक टाइम पे आपको लेकर कितना बनाना है, 3। तो यहाँ पर n की वैल्यू कौन होगा, जो टोटल ऑप्शन होगा, तो टोटल ऑप्शन यहाँ पर कितना है, 5, और r की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, एट अ टाइम एक समय में आप उसमें से कितने को ले रहे हो, कितने डिफरेंट तरीके से आप उसको अरेंज करने की कोशिश कर रहे हो, तो 3 तरीके से, मतलब 3 चेयर को लेकर अरेंज करने आए। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 5 PR, ये होता है हमारा परमिट्यूशन, और इसका फॉर्मूला क्या है, देखो n फैक्टोरियल, तो अभी n के जगह हमारे पास क्या है, 5 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पर हमारे पास 3 है ये, 5P3, तो यहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे, 5 − 3 का फैक्टोरियल। तो जो आएगा आंसर उतने तरीके से आप उन 5 चेयर में से 3 चेयर को लेकर अरेंजमेंट जो है कर सकते हो। तो उसके बाद ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है कि 0 × 1 करके प्रूफ करो करके, आपको एग्जाम में वैसे देगा तो नहीं, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो ये आपकी मर्जी, आपकी अगर आप करना चाहोगे तो आप इसमें कर सकते हो। देखो तो हम अभी अभी हमने क्या पढ़ा, npr इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया, फैक्टोरियल n अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल। अगर r के जगह मैं n रख देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो n फैक्टोरियल यहाँ कितना आएगा, n माइनस n का फैक्टोरियल, तो ऊपर में बचेगा n फैक्टोरियल, नीचे में क्या आएगा, 0 फैक्टोरियल। अच्छा यहाँ पर हमने क्या किया, npr के जगह हमने n रख दिया, तो npn जो होगा वो आपका क्या बन जाएगा, n फैक्टोरियल ही तो बनेगा ना। तो उसके बाद से देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये 0 फैक्टोरियल यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होकर चले जाएगा, और इधर क्या बचेगा, n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल हो गए, तो आपके पास कितना है, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। अब ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया, अब ये देखो किस तरीके से बनेगा, ये परमिट्यूशन जो है इसके जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब परमिट्यूशन का एक्चुअल मीनिंग जो है आपको समझ में आता है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो इन हाउ मेनी वेज 3 different rings कैन बी वोन इन 4 fingers विथ एटमोस्ट 1 in each finger। अब यहां पर देखो क्या बोल रहा है कि आपके पास क्या है, 4 fingers है, 4 fingers में से आपके पास रिंग कितने हैं, 3, तो कितने तरीके से यहां पर आप पहन सकते हो, बोल रहा है विथ एटमोस्ट 1 in each finger, एक फिंगर में कम से कम कितने आने चाहिए, 1 जो है होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर आपको अरेंजमेंट करने हैं, देखो तो द टोटल नंबर ऑफ वेज इज सम एज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 fingers टेकन 3 at a time। तो आपके पास 3 रिंग है और 4 finger है, तो कैसे कर सकते हो, तो आपके पास टोटल ऑप्शन कितने हैं पहनने के, 4, लेकिन आपको एक टाइम में आप पहन कितना सकते हो, 3, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 4P3। अभी मैंने आपको बताया था npr का कंसेप्ट, n जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन होता है, और r क्या होता है, एट अ टाइम उसमें से आप कितना ले रहे हो, तो आपके पास टोटल कितना है, 4 fingers है, और पहन कितने सकते हो एक समय में, 3, तो 4P3। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, n का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल, मतलब 4 − 3 का फैक्टोरियल, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 4 का फैक्टोरियल, और नीचे 4 − 3 मतलब 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, तो 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, 4 × 3 × 2 × 1, तो ये आपका हो जाएगा 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, 24 × 1 = 24, तो 24 तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको जो है पहन सकते हो।
इसको आप प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी सॉल्व कर सकते हो। तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो आप उसको देख लेना। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो, सेवन एथलीट आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस। क्या बोल रहा है कि यहां पर आपके पास टोटल एथलीट कितने हैं, सात हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन द फर्स्ट थ्री प्राइज कैन बी वॉन। तो यहां पर देखो टोटल कितने एथलीट हैं, सेवन, और आपको एट अ टाइम उसमें से लेना कितने को है प्राइस के लिए, तीन। तो ये अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकता है, देखो 7P3, क्योंकि 7 टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन है और 3 एट अ टाइम हम लोग कितने लोगों को ले सकते हैं, मतलब 3 जो है क्या बता रहा है कि कितने लोगों को आप एक समय पे ले सकते हो। तो फॉर्मूला अगेन n का फैक्टोरियल, तो n के जगह 7 है, फिर n माइनस r का फैक्टोरियल, तो अभी हमारे पास n के जगह कितना है, 7। तो यहां पर हम लोग क्या रख देंगे, 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब इसके बाद देखो ऊपर वाला हो जाएगा 7 फैक्टोरियल और नीचे वाला कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। तो मैंने आपको बताया था कि जब डिवीजन में हो तो आप सबसे बड़े वाले फैक्टर को क्या करना, एक्सपांड करना। कहां तक करना, सेकेंड हाईएस्ट फैक्टर तक। तभी देखो सेकेंड हाईएस्ट फैक्टर क्या है, 4 फैक्टोरियल। तो नीचे में भी 4 फैक्टोरियल, ऊपर में भी 4 फैक्टोरियल, दोनों 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, 7 × 6 × 5, विच मीन्स 210। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो आप जिससे भी करना चाहो, अगर आपको परमिट्यूशन से ज्यादा इजी लग रहा है तो आप परमिट्यूशन से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, अगर आपको वो वाला इजी मेथड लग रहा है तो उससे आप भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखो यहां पर, इट इज रिक्वायर्ड टू सेट 5 मैन एंड 4 वुमेन इन अ रो। हमको क्या करना है, सीट करना है कितने लोगों पे, 5 लोगों को बिठाना है और 4 वुमेन्स को बिठाना है इन अ रो, so that women occupy the even places। और आपको इनको ऐसे बिठाना है जिससे जो वुमेन है वो कहां पर आए, even places पर आए, मतलब 2 प्लेस पर, 3rd, 4th प्लेस पर, 6th प्लेस तक, 8th प्लेस पर, इस तरीके से आए। हाउ मेनी सच अरेंजमेंट आर पॉसिबल, तो ऐसे कितने अरेंजमेंट क्या हो सकते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं। देखो तो टोटल लोग कितने हैं हमारे पास, 9 पर्सन आर टू बी सीटेड इन अ रो, एंड इन द रो 9 पोजिशन देयर आर एग्जैक्टली 4 इवन प्लेसेस। अब देखो 9 है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से यहां पर क्या है, 9 प्लेसेस हैं। तो वुमेन कहां कहां बैठ सकती हैं, तो सेकंड प्लेस पर, फोर्थ प्लेस पर, सिक्स्थ प्लेस पर और एट्थ प्लेस पर, इतने जगह पर ये क्या कर सकती हैं, बैठ सकती हैं। तो ये 4 वुमेन के लिए क्या है, ऑक्यूपाइड है। उसके बाद दिस कैन बी डन, अच्छा अब 4 वुमेन को इन 4 प्लेसेस में कितने तरीके से आप बिठा सकते हो, तो टोटल वुमेन के लिए ऑप्शन कितने हैं, 4। अब 4 ऑप्शन है क्योंकि सेकेंड वाला इवन नंबर है, फोर्थ वाला इवन है, सिक्स्थ वाला इवन है, एट्थ वाला इवन है, तो ये 4 प्लेसेस है जहां पर वो वुमेन रख सकते हैं। तो टोटल ऑप्शन उनके बिठाने के कितने हैं, 4, और चारों को एक ही साथ बिठाना है, इसके टोटल कितने ऑप्शन हो गए, 4P4। इतने तरीके से उन लेडीज को इसमें बिठाया जा सकता है। अब बचे कितने प्लेसेस, तो 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 प्लेसेस में से हमको क्या करना है, 5 मेन को बिठाना है, वो कितने तरीके से हो सकता है, तो 5 प्लेसेस हैं, 5 मेंस हैं, उनको कितने तरीके से आप बिठा सकते हो, तो 5P5। अब यहां पर देखो एंड यूज हुआ है, तो मतलब हम लोग यहां पर एक और तरीका आप इसको समझ सकते हो कि 4P4 और 5P5 को आपको प्लस कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई। तो याद करो, क्या सिर्फ मेन को बिठा लेने से आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा, नहीं। क्या वुमेन्स को बिठा लेने से आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा, नहीं। तो जब तक दोनों नहीं बैठेंगे तब तक टास्क कंप्लीट नहीं होगा, इसीलिए वुमेन के जो टोटल ऑप्शन है 4P4 और मेन के जो टोटल ऑप्शन है 5P5, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 4P4 को जब आप करोगे तो यहां आपको क्या मिलेगा, 4 का फैक्टोरियल, और नीचे आपको मिलेगा 4 - 4 का फैक्टोरियल, मतलब 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 का फैक्टोरियल। तो 0 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है, तो यहां पर हमारे पास कितना बचेगा, 4 का फैक्टोरियल। सिमिलरली 5P5 को जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 5 का फैक्टोरियल, नीचे आएगा 5 - 5 का फैक्टोरियल, मतलब नीचे 0 हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो यह हो जाएगा अच्छा 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब इसको आप ऐसा मत करें ना 4, 5 = 20 और 20 का फैक्टोरियल निकालने लगे, नहीं, आप पहले 4 को एक्सपांड करोगे और 5 को एक्सपांड करोगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। तो 4 आपका एक्सपांड होकर क्या बनेगा, 4 × 3 × 2 × 1, फिर इसके बाद 5 आपका क्या बनेगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, फिर जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो 20 फैक्टोरियल मत कर देना, 5, 4 = 20 करके, तो ये आपका आंसर आया है 2880। तो इस तरीके से ये परमिट्यूशन के आपके पास क्या है, क्वेश्चन है। इसको वापस से आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो।
अब उसके बाद यहाँ पर देखो फिर से सेम टाइप के क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन को अभी हमने किससे सॉल्व किया था, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, मतलब बॉक्सेस भर भर कर। अब इसी को देखो हम लोग कैसे कर सकते हैं, परम्यूटेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। हाउ मेनी नंबर लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5 इफ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। अगर डिजिट का रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो एक तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो जैसे अभी तक ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग बनाते आ रहे हैं कि हमारे पास 3 नंबर बनाने हैं और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो पहले वाले यूनिट प्लेस में कितने नंबर डाल सकते हैं, तो 5 में से किसी को डाल सकते हैं। अब 5 में से 1 नंबर यूज हो चुका है, यहाँ टोटल ऑप्शन कितने होंगे, अच्छा ये 5 और 4 ये नंबर नहीं है ना, ये ऑप्शन है कि यूनिट प्लेस पर 5 ऑप्शन से भरा जा सकता है, टेंस प्लेस को 4 ऑप्शन से भरा जा सकता है और इसको 3 प्लेस से भरा जा सकता है। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 5, 4, 20, 23, 60। ये तो हमने पुराने वाले मेथड से बनाया। अब इसी को देखो हम लोग परम्यूटेशन से भी जल्दी बना सकते हैं। कैसे, टोटल ऑप्शन आपके पास कितना है 5, लेना एट अ टाइम कितना है 3, तो ये हो जाएगा 5p3। तो अब n का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल और नीचे हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल। तो 5 × 4 × 3 × 2 का फैक्टोरियल, नीचे भी 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल कैंसिल, 5 × 4 = 20, 20 × 3 = 60। तो आपका आंसर क्या आया, वही आया जो हमने इस वाले मेथड से बनाया था। देखते हैं, देखो हाउ मेनी 4-digit number आर देयर विथ डिस्टिंक्ट डिजिट, मतलब यहाँ पर 4 digits के कितने नंबर जो है अवेलेबल है हमको ये पूछ रहा है, और वो कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो हम लोगों को 4 digit के नंबर बनाने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब कितने नंबर को हम लोग ले सकते हैं। तो आंसर 0 से लेकर 9 digit तक को हम लोग यूज कर सकते हैं। अब उसमें से हमको क्या करना है, टोटल हमारे पास 10 digit हैं, 10 में से 4 को एक बार लेना है, हमको एट अ टाइम लेना है 4 को, तो ऐसे टोटल ऑप्शन कितने होंगे, 10p4। लेकिन इस 10p4 में ऐसे नंबर्स भी तो आ गए होंगे जिसका जो 1000 प्लेस है वो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि अभी तो हमने टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन की बात की है इतने नंबर को लेकर। तो इसमें से ऐसे भी तो हो सकते हैं कुछ कुछ, जैसे 0, 2, 2, 0, 3, 3 ऐसे भी आ गए होंगे ना 10p4 में, तो हमको उसको तो अलग करना है क्योंकि ये 4 digit के नंबर काउंट नहीं होंगे। तो इस केस में हम लोग इसको क्या करेंगे, देखो पहले तो टोटल ऑप्शन निकाल लेते हैं कि 0 से लेकर 9 तक, मतलब टोटल 10 digit में से 4 digit के कितने नंबर बन सकते हैं, आंसर है 10p4। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे नंबर्स आ गए हैं जिनका 1000 प्लेस 0 है, तो वो ऐसे कितने नंबर है उसको हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो देखो फिर क्या करेंगे, देखो आगे, अच्छा यहाँ आगे दिए, देखो when 0 is fixed at a 1000 place, जैसे यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 0 को क्या किए, 1000 place पर fix कर दिए, we have to arrange remaining 9 digits by taking 3 at a time। तो अब यहाँ पर अगर 4 digit का number है और उसमें 0 अगर पहले प्लेस पर आ गया, मतलब 1000 प्लेस पर आ गया है, तो यहाँ पर 1, 2 और 3 तीन बॉक्सेस बच रहे हैं, तो इन 3 boxes में तो और भी numbers आए होंगे ना, तो वो numbers कितने होंगे, 9। और उन 9 को हम लोग 3 एक बार में लेना है क्योंकि हमारे पास टोटल 0 तो चला गया, तो ऑप्शन कितने बचे, 9। अब 9 digit में से हमारे पास इनमें भरना है, तो यहाँ पर कितने तरीके से इन 3 boxes को 9 digit से भर सकते हैं, तो आंसर है 9p3। आपको समझ में आया कि नहीं ये चीज मैं क्या निकाल रहा हूँ, पहले तो हमने निकाला कि 0 से लेकर 9 तक के डिजिट को लेकर 4 digit के कितने नंबर बना सकते हैं, वो है ये। अब उसमें से जब हम लोग 10p4 करेंगे तो उसमें ऐसे हमारे पास कॉम्बिनेशन भी आ जाएंगे जिसका जो 1000 प्लेस है वो कितना है, 0। लेकिन वो तो हमारे रूल में है ही नहीं, क्योंकि अगर 0 अगर इस तरीके से आ गया है 1000 प्लेस पर, वो 4 digit का नंबर तो होगा नहीं, तो हम लोग ऐसे कितने नंबर से उसको पता कर रहे हैं। तो देखो 1000 प्लेस पर 0 फिक्स्ड हो गया, अब बचे कितने ब्लॉक, यहाँ पर 3, तो इन 3 ब्लॉक में से हम लोग 9 digit को कैसे फिल कर सकते हैं, तो 9p3। तो ये वो ऑप्शन है जिसमें 0 1000 प्लेस पर आया है, तो ये टोटल ऑप्शन और ये 0 1000 प्लेस पर आया है वो ऑप्शन, दोनों को माइनस कर दो, तो 10p4 में से 9p3 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमको 4 digit के नंबर जो है क्या होंगे, मिल जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, द डिफरेंट लेटर्स ऑफ एन अल्फाबेट आर गिवन, वर्ड्स विद 5 letters आर फॉर्म फ्रॉम दिस गिवन लेटर्स। अच्छा ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है आई थिंक, अच्छा सोल्यूशन देखते हैं कि द नंबर ऑफ 5 letters वर्ड विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम द 10 letters। अच्छा हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 10 है, और 10 में से हमको क्या करना है, 5 letters को एक एट अ टाइम लेकर हमको क्या करना है, वर्ड्स बनाने हैं। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, देखो डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्ड्स
विच हैव एटलीस्ट वन लेटर रिपीटेड। अब ये 10 लेटर है मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के करके, उन 10 में से 5 लेटर्स को लेकर हमको क्या करने हैं, कुछ वर्ड्स बनाने हैं। यहां पर हमको पूछ रहा है कि आप ऐसे नंबर ऑफ वर्ड्स बताओ जिसमें कम से कम उस 5 में से, जैसे 5 लेटर आपने लिया ए, मतलब 10 लेटर आपने लिया ए बी सी डी ई एफ के तक करके जहां तक भी जाएगा, 10 डिजिट आपने लिया। अब जो 5 डिजिट इसमें से आप बनाओगे उसमें आपको ऐसे नंबर ऑफ ऑप्शन बताने जिसमें कम से कम एक डिजिट क्या किया हो, रिपीट किया हो। जैसे हो सकता है कि बी ए ए सी के आ गया हो या बी सी सी डी ई आ गया होगा, ऐसे कि मतलब कोई ना कोई एक क्या हुआ होगा, रिपीट हुआ होगा। इस तरीके से आपको वहां पर क्या करना है, पहचानना है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये फाइंड कर लेंगे कि पहले ये फाइंड करेंगे हम लोग कि 10 डिजिट को लेकर हम लोग कितने लेटर्स बना सकते हैं, मतलब कितने वर्ड्स बना सकते हैं जहां पर रिपीटेशन क्या होगा, अलाउड होगा। तो देखो, तो 10 लेटर्स व्हेन वन आर मोर ऑफ इट्स लेटर इज रिपीटेड। तो हम लोग यहां पर पहले ये फाइंड कर रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन कितने हो सकते हैं जिससे वर्ड्स बन सकते हैं और जिसमें रिपीटेशन क्या है, अलाउड है। तो 5 लेटर है तो 5 जगह है और पांचों को 10 10 10 10 10 से हम लोग रिपीट मतलब फिल कर सकते हैं ऑप्शन से। तो ये हमारे पास कितना आएगा, 10 to the power 5। मतलब ये है कि 5 बॉक्सेस हैं, 4 और 5, रिपीटेशन अलाउड है इस केस में। तो हम लोग पहले रिपीटेशन अलाउड वाले ऑप्शन निकाल रहे हैं। तो मैं यहां पर कितने लेटर डाल सकता हूं, 10। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो यहां भी 10, यहां भी 10, यहां भी 10, यहां भी 10, सबको मल्टीप्लाई कर दो 10 to the power 5। ये वो नंबर ऑफ ऑप्शन है हमारे पास जिसमें डिजिट्स क्या हुए हैं, रिपीट हुए हैं। हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि आप ऐसे नंबर ऑफ वर्ड्स निकालो जिसमें कम से कम एक डिजिट तो रिपीट हुआ ही हो। 2 रिपीट हुआ हो चलेगा, 3 रिपीट हुआ हो चलेगा, 4 रिपीट हो चलेगा, 5 रिपीट हो तब भी चलेगा, एटलीस्ट एक होना चाहिए। तो अब ये हमारे पास टोटल ऑप्शन है। अब उसमें से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे नंबर ऑफ ऑप्शन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जिसमें एक भी डिजिट क्या हुआ हो, रिपीट ना हुआ हो। तो वो कितने होंगे, देखो द नंबर ऑफ अरेंजमेंट। अब यहां पर देखो, The number of 5 letter words which can be formed when none of their digit is repeated. तो ऐसे कितने होंगे, एक भी जब एक भी बार repeat नहीं हुआ होगा तो वो होगा 10P5. अब 10P5 की value कितनी आ गई, 30,240. अब total option आपके पास 10 to the power 5 है, उसमें से इसको minus कर दोगे तो आपके पास जो answer आएगा वो हमारा क्या होगा, final answer होगा, मतलब 69,760 words ऐसे हैं जिसमें डिजिट्स कम से कम एक बार रिपीट किया है। 2 बार भी किया होगा, 3 बार भी किया होगा, 4 बार भी किया होगा, 5 बार भी किया होगा। तो यहाँ पर हमको इस तरीके से आंसर हमारा मिल गया। अब इसके बाद आगे के क्वेश्चंस आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो, जैसे इन हाउ मेनी वेज 7 पिक्चर्स कैन बी हंग फ्रॉम 5 पिक्चर्स नेल ऑन अ वॉल। तो ये आप कितने तरीके से कर सकते हो, 7P5 तरीके से कर सकते हो। उसके बाद आपको दिया है देखो लास्ट क्वेश्चन परमिट्यूशन का, ये आपके सिलेबस में नहीं है, परमिट्यूशन अंडर द सर्टेन कंडीशंस ये वाले आपके सिलेबस में नहीं है, तो यहां तक आपका लास्ट होगा। देयर आर 6 पीरियड्स इन अ वर्किंग डे ऑफ अ स्कूल, एक स्कूल में 6 पीरियड होते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन वन अरेंज 5 सब्जेक्ट्स सच दैट द ईच सब्जेक्ट इज अलाउड टू एटलीस्ट 1 पीरियड। अब आपके पास 6 पीरियड हैं, 5 को अरेंज करना है, कितने तरीके से कर सकते हो, 6P5 तरीके से कर सकते हो, लेकिन एक लेक्चर तो आपका बच जाएगा। तो वो जैसे मान ले आपके पास क्या है, 6 पीरियड है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड। तो यहां पर देखो, और सब्जेक्ट कितने हैं आपके पास, ये है आपके पीरियड्स, और सब्जेक्ट कितने हैं आपके पास, 5 सब्जेक्ट। तो वही चीज बोल रहा है, देखो 5 सब्जेक्ट कैन बी अरेंज्ड इन द 6 पीरियड, इन 6 पीरियड्स में से 5 पीरियड को एक समय में अरेंज कैसे कर सकते हो, 6P5 तरीके से। चलो 5 पीरियड्स अरेंज हो गए, लेकिन एक पीरियड क्या हो गया, वो तो बच गया ना, एंड इट कैन अलाउड टू एनी वन ऑफ द 5 सब्जेक्ट। अब ये जो लास्ट पीरियड है ना, देखोगे आप लोगों के क्लास में भी कोई ना कोई एक सब्जेक्ट क्या होता है, एक दिन आपके डबल होते हैं, 2 क्लासेस होते हैं। तो 5 तो हमने क्या कर दिए, एक एक सब्जेक्ट, मतलब पांचों पीरियड में एक 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 सब्जेक्ट हमने बांट दिए, लेकिन जो छठवां पीरियड हुआ उसमें तो किसी एक सब्जेक्ट को हमको डालना पड़ेगा। तो हमारे पास 5 सब्जेक्ट है, तो 5ों में से कोई टीचर छठवां पीरियड को ला कर ले सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पर 6P5 में क्या किया, 5 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया। तो ये हो गया 3,600। तो आई होप अब आपको परमिट ट्यूशन
प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। बस इस सिलेबस में आपका परमिटेशन यहाँ तक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फिर इसके बाद कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन जो है देखेंगे। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।